नमस्कार, मैं प्रिया। आज 10 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से बिहार में लगेगा बूस्टर डोज, पंजीकरण की नहीं होगी जरूरत। निजी अस्पतालों में कोविड 19 के इलाज और एम्बुलेंस की दर हुई तय। इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई कांग्रेस पार्टी। बिहार में कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के बीच हर जिले में बनेगा मेडिकल हेल्पलाइन। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का किया गया ऐलान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से बिहार में लगेगा बूस्टर डोज, पंजीकरण की नहीं होगी जरूरत। बिहार में 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण के बाद आज से बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू होने वाला है। हालांकि तीसरे डोज या बूस्टर डोज को लगवाने के लिए लाभार्थियों को कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसको लेकर साफ कर दिया है कि कोरोना टीकाकरण का बूस्टर डोज लेने के लिए किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। बूस्टर डोज के लिए योग्य व्यक्ति अपने निजी चिकित्सक की राय लेकर टीका प्राप्त कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि फिलहाल हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर और 7 साल से अधिक उम्र के वैसे व्यक्ति जिन्हें कोविड 19 टीके की दोनों डोज लिए हुए 9 महीने या 39 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है, वो इस डोज के लिए योग्य होंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की माने तो अगले 7 दिनों में फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाली रिक्तियां। बैंक ऑफ बड़ौदा ने विशेषज्ञ अधिकारी के कुल मिलाकर 58 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें प्रमुख रणनीतिकार निवेश और बीमा, धन रणनीतिकार निवेश और बीमा, निवेश अनुसंधान मानागार, पोर्टफोलियो और डेटा विश्लेषण और अनुसंधान, पोर्टफोलियो अनुसंधान निदेशक NRI, धन उत्पाद प्रबंधक, उत्पाद प्रबंधक, व्यापार और विदेशी मुद्रा, व्यापार विनियमन, सीनियर मैनेजर, प्रोडक्ट हेड, प्राइवेट बैंकिंग, ग्रुप सेल्स हेड, वर्चुअल RM सेंटर, प्राइवेट बैंकर, रेडिएशन प्राइवेट तय किया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक विषय में डिग्री के साथ 1 से 10 साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 27 जनवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर बड़ी अपडेट आई सामने। कोविड 19 की तीसरी लहर बिहार में जारी है। इसी बीच बिहार के छात्रों के लिए राहत की खबर सामने आई है। बिहार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन पूरे हो जाने के बाद से छात्रों को अपनी छात्रवृत्ति का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में खबर यही निकल करके सामने आई है कि बिहार सरकार की तरफ से दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के आवंटन को लेकर प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। खबरों की माने तो DPO के निर्देशन में जिला स्तरीय जांच टीम का गठन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टीम के गठन का काम 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इस जांच टीम में उप विकास आयुक्त को भी शामिल किया गया है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जारी होने के बाद छात्र आसानी से अपने मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से स्कॉलरशिप का आवेदन करके इसका लाभ पा सकते हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सुचित्रा भट्टाचार्य की। सुचित्रा भट्टाचार्य एक भारतीय उपन्यासकार थी जिन्हें मंतर पाखी, कच्छर मानुष, अलीक शुक, इच्छा और कचर देवल सहित कार्यों के लिए जाना जाता था। एक लेखक के रूप में अपने करियर के दौरान उन्होंने 20 से अधिक उपन्यास और कई लघु कथाओं की रचना की। उनके उपन्यास दहन को 1997 की फिल्म दहन में रूपांतरित किया गया था और उनके उपन्यास इच्छा गच, अलीक सुख और रामधनु रंग को शिवो प्रसाद मुखर्जी द्वारा फिल्मों में रूपांतरित किया गया था और उनके उपन्यास ओनियो बवा संतो को अदिति रॉय द्वारा एक टेलीविजन फिल्म में रूपांतरित किया गया था। सुचित्रा भट्टाचार्य का जन्म आज के दिन 1950 में भागलपुर बिहार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही लेखन में रुचि थी। भट्टाचार्य ने कोलकाता के ऐतिहासिक विश्वविद्यालय कलकत्ता के एक संबंध स्नातक महिला कॉलेज जोग माया देवी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बिहार में मिले कोविड 19 के 5000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5022 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 16,897 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 29, अरवल में 43, औरंगाबाद में 53, बांका में 50, बेगूसराय में 125, भागलपुर में 88, भोजपुर में 73, बक्सर में 26, दरभंगा में 114, ईस्ट चंपारण में 73, गया में 258, गोपालगंज में 36, जमुई में 74, जहानाबाद में 133, कैमूर में 37, कटिहार में 74, खगड़िया में 13, किशनगंज में 39, लखीसराय में 90, मधेपुरा में 71, मधुबनी में 84, मुंगेर में 91, मुजफ्फरपुर में 209, नालंदा में 123, नवादा में 69, पटना में 2018, पूर्णिया में 63, रोहतास में 79, सहरसा में 83, समस्तीपुर में 200, सारण में 121, शेखपुरा में 22, शिवहर में 3,
सीतामढ़ी में 67, सिवान में 50, सुपौल में 43, वैशाली में 102, वेस्ट चंपारण में 51 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 45 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,96,909 सैंपल की जांच की गई। इसके साथ ही 435 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज और एम्बुलेंस की दर हुई तय। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार सरकार ने सूबे के सभी शहरों को ए बी और सी श्रेणी में बांटकर दर तय कर दिया है। NABH एक्रेडिटेड अस्पतालों में आइसोलेशन बेड सपोर्ट किया गया है और ऑक्सीजन के लिए ₹10,000, बिना वेंटिलेटर के आईसीयू के लिए ₹15,000, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू ₹18,000। नॉन NABH एक्रेडिटेड अस्पताल में आइसोलेशन बेड सपोर्ट केयर ऑक्सीजन ₹8,000, बिना वेंटिलेटर के आईसीयू ₹13,000, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू ₹15,000। ग्रुप बी के NABH एक्रेडिटेड अस्पताल में आइसोलेशन एंड सपोर्ट केयर ऑक्सीजन ₹8,000, बिना वेंटिलेटर के आईसीयू ₹12,000, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू ₹14,400। नॉन NABH एक्रेडिटेड अस्पताल में आइसोलेशन बेड सपोर्ट केयर ऑक्सीजन ₹6,600, बिना वेंटिलेटर के आईसीयू ₹10,400, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू ₹12,000 तय किया गया है। इसके अलावा भी अन्य दरों को भी तय कर दिया गया है। सीबीआई ने बिहार से मांगी मदद। बिहार के अदालतों में बोझ कितना है, इस बात का अंदाजा शायद आपको भी होगा। इसको लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भी चिंता जता चुके हैं। हालांकि मामले सबसे ज्यादा शराब से जुड़े हुए हैं, वहीं अब लंबित मामलों को लेकर सीबीआई की चिंता भी बढ़ती जा रही है। बिहार की 5 अदालतों में सीबीआई जांच से जुड़े 320 मुकदमे विचाराधीन है, जिसको लेकर ही अब इन मुकदमों में तेजी लाने के लिए सीबीआई ने पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर गिरफ्तारी के डर से भूमिगत हुए आरोपितों के खिलाफ निचली अदालत के द्वारा अरेस्ट वारंट जारी करने का अनुरोध किया है। इसको लेकर सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने रजिस्ट्रार को बिहार में विचाराधीन 320 के तहत प्राथमिकता देने की कही है। इनमें सबसे ज्यादा 276 मामले पटना की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है। दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर जिला है। मुजफ्फरपुर में कुल 41 एम और इसके अलावा भागलपुर, मोतिहारी और कैमूर में भी एक एक मामले दर्ज किए गए हैं। इस्तीफा देने के बाद मान गई भाजपा विधायक रश्मि वर्मा। बीते दिन नरकटियागंज में भाजपा विधायक रश्मि वर्मा के इस्तीफे को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसके तहत पहले तो नरकटियागंज से भाजपा विधायक रश्मि वर्मा के इस्तीफे की चर्चा हो रही थी, जिसके बाद ये बात सामने आई कि अब रश्मि वर्मा मान गई हैं, अब वो इस्तीफा नहीं देंगी। मिली जानकारी के अनुसार अपने निजी कारणों के कारण उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया था। इसको लेकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने पत्र लिखा था, जिसके बाद रश्मि वर्मा के इस कदम पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि हम लोगों से उनकी बात हो गई है, वो पत्र विधानसभा अध्यक्ष को अब नहीं देने जा रही हैं, अब वो वापस अपने घर के लिए रवाना हो गई हैं। 12 जनवरी से होगी नीट पीजी की काउंसलिंग। सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी प्रवेश में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नीट पीजी काउंसलिंग के लिए मिली हरी झंडी के बाद सभी नीट पीजी उम्मीदवारों के लिए अहम जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत अब नीट पीजी काउंसलिंग की तारीख की घोषणा कर दी गई है और यह काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 को होने वाली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी तो दे दी है और उन्होंने कहा है कि इससे कोविड-19 से लड़ाई में देश को और मजबूती मिलेगी। इसको लेकर बीते दिन उन्होंने अपना ट्वीट भी जारी किया है। 11 जनवरी को बिहार के कुछ जिलों में बारिश और ठंड का गिरने के आसार। बिहारवासी ठंड की चपेट के बीच बारिश का सामना भी करने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। बीते दिन राजधानी पटना समेत कई जिलों में बादल का घेरा भी देखने को मिला, वहीं कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिसके बाद मौसम वैज्ञानिकों ने अभी 11 तारीख को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 7 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में खास अंतर नहीं आने के संकेत हैं। इसके साथ ही 11 जनवरी को बिहार के कुछ जिलों में बारिश और ठंड का गिरने के आसार बन रहे हैं। इसके बाद बिहार में एक बार फिर से शीतलहर की संभावना है। मकर संक्रांति के समय बिहार में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच हर जिले में बनेगा मेडिकल हेल्पलाइन। बिहार में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए बीते दिन अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव, उपचार और टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचाने और इससे संबंधित जानकारी के लिए 24 घंटे मेडिकल हेल्पलाइन सेवा हर जिले में एक्टिव है। मंगल पांडे ने कहा कि सभी सिविल सर्जन और जिला कार्यक्रम प्रबंधक को नेशनल ऑक्सीजन स्टेवर्डशिप प्रोग्राम के तहत ऑक्सीजन थेरेपी और प्रबंधन के अलावा ऑक्सीजन के युक्त संगत उपयोग के लिए APHC स्तर तक चिन्हित 11 डॉक्टर और ANM को दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त नामित चिकित्सक और ANM द्वारा 13 जनवरी को प्रशिक्षण सम्पन्न कराने का निर्देश दिया गया है।
11 बार वैक्सीन लेने वाले 84 साल के बुजुर्ग पर FIR दर्ज। कोविड 19 के माहौल में जहां कुछ लोग दो डोज लेने से कतरा रहे हैं, वहीं एक ऐसे बुजुर्ग का मामला सामने आया था जिन्होंने 11 बार वैक्सीन लेने का काम किया था। ये बुजुर्ग मधेपुरा जिले के रहने वाले हैं, जिनका नाम ब्रह्मदेव मंडल है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में ही उल्टा इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मधेपुरा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने उनके खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। उनके ऊपर हुई FIR के बाद ब्रह्मदेव मंडल ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग की लापरवाही छुपाने के लिए मुझ पर आरोप मढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के लोगों की गलती का शिकार मुझे बनाया जा रहा है। बिना जांच किए कैसे 11 बार वैक्सीन दी गई? अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए विभाग ने उल्टे उनके खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। कंपनी के बोर्ड में शामिल हुआ मुजफ्फरपुर का आर्यन। छोटी उम्र में बिहार के कई प्रतिभाओं ने अब तक बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। हाल ही में पटना की रहने वाली संप्रति के बाद छोटी उम्र में ही मुजफ्फरपुर के रहने वाले आर्यन अमेरिकन कंपनी के बोर्ड मेंबर के रूप में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, आर्यन महज 18 साल के हैं। 4 साल पहले 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने के बाद आर्यन ने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझाने को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तब आर्यन ने अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ इसे बनाने का काम किया था और बच्चों की सोच और खोज को बराक ओबामा से लेकर राष्ट्रपति कोविंद समेत अन्य ने सराहा था। इतना ही नहीं, UNDP ने इन बच्चों की फीस HRD के पास भेज दिया था। 2017 में आर्यन का यह रिसर्च आया था। 2021 में आर्यन ने 12वीं बोर्ड CBSE से किया। अब आर्यन को इतनी कम उम्र में अपने बिजनेस आइडिया को लेकर अमेरिकन कंपनी में बतौर बोर्ड मेंबर शामिल करने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में नीतीश कुमार भी दिखाएंगे दम। निर्वाचन आयोग की तरफ से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में बिहार में चुनाव जीतने के बाद अब जदयू उत्तर प्रदेश में उतरने की तैयारी कर रही है। यहां जदयू भाजपा के साथ मिलकर मैदान में उतरेगी। इसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सारी जानकारी बीते दिन दे दी है। साथ ही बताया है कि जदयू मणिपुर और गोवा में अपने दम पर और उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने जदयू के साथ मिलकर लड़ने की सहमति दे दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री RCP सिंह की इसको लेकर भाजपा के साथ बातचीत हुई। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का किया गया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन प्रकाश पर्व पर एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत देश में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही है। इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि श्री गुरु गोविंद जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये साहिबजादों के साहस के लिए एक उचित श्रद्धांजलि है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में आके ये भी लिखा कि माता गुजरी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादों की वीरता और आदर्श लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। वो अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो समावेशी और सामंजस्यपूर्ण हो। अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानना समय की जरूरत है। ओमिक्रॉन के मिले 2 दर्जन से ज्यादा मामले। बिहार में कोविड 19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन सब के बीच बीते दिन ओमिक्रॉन के कई मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके तहत रविवार को आई जांच रिपोर्ट में एक चौंकाने वाले मामले आए हैं। एक बार में 85% ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि होने के साथ ही सरकार और स्वास्थ्य महकमा परेशान हो गया है। कुल 32 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में 27 ओमिक्रॉन वेरिएंट मिले। 4 में डेल्टा वेरिएंट और 1 संपर्क में वेरिएंट की पहचान नहीं हो सकी है। एक मरीज में ना तो ओमिक्रॉन वेरिएंट है और ना ही कोई और वेरिएंट इसमें देखा गया है, उसमें किसी अन्य म्यूटेशन का संक्रमण है। 2 अन्य की रिपोर्ट में भी ओमिक्रॉन की आशंका जताई गई है। चिंताजनक बात यह है कि संक्रमितों में IGIMS के डॉक्टर और कई बिहार के विभिन्न जिलों के मरीज शामिल हैं। भाजपा ने जगदानंद सिंह को पाप का प्रायश्चित कर NDA में आने का दिया न्योता। बिहार की राजनीतिक गलियारे में विभिन्न मुद्दों को लेकर जारी राजनीति के बीच दल बदल की राजनीति भी खूब हो रही है, क्योंकि एक दल दूसरे दल के कई लोगों को अपने साथ शामिल करने के लगातार ऑफर दे रहा है। इसी बीच जगदानंद सिंह के ऑफर पर भाजपा ने पलटवार किया है, जिसके तहत भाजपा नेता अरविंद सिंह ने कहा कि जगदा बाबू ने सत्ता और पद के लिए जाति और जमीर को राजद के हाथों गिरवी रख दी है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। अगर जगदा बाबू में हिम्मत है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें, वो इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें थोड़ा सा भी जमीर बचा है तो वो NDA में आए, हम उन्हें सम्मान देंगे। सीएम नीतीश कुमार, अब तक नहीं बुला पाए बैठक, अब तो मैं सिंगल से शादीशुदा हो गया। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। जातीय जनगणना के बहाने राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर तक दे दिया है। हालांकि इस पर अभी तक जदयू का कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने बीते दिन अपना बयान जारी करते हुए कहा कि जातीय जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा को लेकर लालू प्रसाद यादव पहले से मांग उठाते रहे हैं। वो सड़क पर भी आए और बिहार भी बंद किया। जहां तक विशेष राज्य के दर्जे की बात है, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आंचल फैलाकर गांधी मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी से विशेष राज्य का दर्जा की मांग की थी। अब तो मैं सिंगल से शादीशुदा हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक नहीं बुला पाए हैं। सीएम नीतीश कुमार जातीय जनगणना करवाना ही नहीं चाहते हैं।
इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई कांग्रेस पार्टी। बिहार की राजनीति में इन दिनों कई मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिनमें से एक है जातीय जनगणना। एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल जोर शोर से बिहार सरकार का समर्थन कर रही है। अब तक हालांकि राजद की तरफ से ही खुले तौर पर समर्थन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर बिहार सरकार का समर्थन करने की बात कही है, जिसके तहत बीते दिन बिहार विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं होने देना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए अजीत शर्मा ने कहा कि सबको पता है जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। राजद में नहीं है लोकतंत्र। बिहार में अभी ठंड का मौसम है, लेकिन बिहार की राजनीतिक गलियारे में हमेशा गर्माहट बनी रहती है। पार्टी चाहे कोई भी हो, अक्सर विवादों में जरूर उलझी रहती है। ऐसा ही कुछ इन दिनों राजद में भी देखने को मिल रहा है, जिसके तहत बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की लालू परिवार से अदावत कम होने का नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी यादव की शादी से गुस्सा हुए मामा एक बार फिर से राजद के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए हैं। इस बार तो उन्होंने साफ कह दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार की पार्टी है, वहां लोकतंत्र नहीं राजशाही सिस्टम चलता है। इतना ही नहीं, बीते दिन साधु यादव ने कहा है कि पार्टी का विस्तार घर के सदस्यों से नहीं होगा, परिक्रमा करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्षेत्रीय पार्टी का निर्माण काशीराम ने किया था। इतना ही नहीं, साधु यादव का गुस्सा तो इतना तेज था कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं उन लोगों का नाम तक नहीं लूंगा। उपेंद्र कुशवाहा को तेज प्रताप यादव ने दे दिया न्योता। खरमास के बाद बिहार की राजनीति काफी ज्यादा खरमास के मुद्दे को लेकर बिहार की राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि लगातार खरमास के बाद बिहार में बड़ा खेला होने की बात कही जा रही है। इसी बीच तेज प्रताप यादव के बयान ने और ज्यादा हलचल पैदा कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन तेज प्रताप यादव ने खुले तौर पर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा राजद ज्वाइन कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ आना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता तो दिया ही, साथ ही मुकेश सहनी को भी खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में कोई करिश्मा नहीं दिखा पाएंगे। जब बिहार में उनसे कुछ नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश क्या चीज है। पीएम मोदी ने की कोरोना पर समीक्षा बैठक। देश भर में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को लेकर बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक बुलाते देखे गए। पीएम इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस समीक्षा बैठक में पीएमओ के अधिकारियों के अलावा गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, गृह सचिव अजय भल्ला, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर के डीजी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2021 को भी कोरोना की समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में पीएम ने कहा था कि कोरोना महामारी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए केपटाउन में टीम इंडिया की ट्रेनिंग शुरू। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे और निर्णायक टेस्ट के लिए टीम इंडिया केपटाउन पहुंच गई है और यहां अपनी तैयारी भी शुरू कर चुकी है। दोनों टीम के बीच अंतिम टेस्ट 11 जनवरी से केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेला जाएगा। इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में टीम इंडिया के खिलाड़ी न्यूजीलैंड के मैदान में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, मयंक अग्रवाल के साथ भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ भी दिखाई दे रहे हैं। बीसीसीआई ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हम यहां खूबसूरत केपटाउन में हैं। भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। प्रोफेसर मधुसूदन गुप्ता ने 1836 में पहली बार मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। भारतीय चाय 1839 में इंग्लैंड पहुंची। भारत सरकार ने 1963 में स्वर्ण नियंत्रण योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 14 कैरेट से अधिक के गहनों पर पाबंदी लगा दी गई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 से 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। कार निर्माण की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने 1,00,000 रूपये वाली कार नैनो को 2008 में पेश किया। अशोक कजारिया ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद 2009 में संभाला। 1974 में भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशन का जन्म हुआ। 1949 में फिल्म निर्माता अलू अरविंद का जन्म हुआ। प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार गिरिजा कुमार माथुर का 1994 में निधन हुआ। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री नाडिया का 1996 में निधन हुआ। आज ही के दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीबीएसई बोर्ड के टर्म वन रिजल्ट में अनियमितता मिलने पर स्कूलों को देना होगा इतना जुर्माना। सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड के टर्म वन के रिजल्ट में अनियमितता मिलने पर स्कूल की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि यह साफ कर दिया गया है कि टर्म वन रिजल्ट में अनियमितता मिली तो स्कूलों को 50,000 तक का जुर्माना लगेगा। मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड ने साफ कर दिया है कि रिजल्ट का प्रकाशन सही तरीके से किया जाना चाहिए। सीबीएसई टर्म वन की परीक्षा को लेकर कहीं होम सेंटर बनाए गए थे तो कहीं पर स्कूल में केंद्र बना था। परीक्षा के साथ उसी दिन केंद्र पर कॉपियां जांच करवाई गई थी। ऐसे में अधिकतर जगह पर कॉपी जांच के बाद बोर्ड की तरफ से केंद्र पर कॉपी जांचने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया था और बोर्ड ने कॉपी अपने पास मंगवाई थी। हालांकि तब तक कई विषयों की परीक्षा खत्म हो चुकी थी और सेंटर पर ही
कॉपियां जांची गई थी। होम सेंटर वाले स्कूलों में अंक दिए जाने में गड़बड़ी की शिकायत पर बोर्ड ने सख्ती की थी, जिसमें ही मूल्यांकन में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अंकित कुमार, युगल कुमार, गौतम कुमार, रूपेश कुमार, मरिरंजन कुमार, शिव कुमार पासवान, हेमू जायसवाल, नन्नू कुमार, पप्पू कुशवाहा, रमाकांत कुमार, मौसूद आलम, गोनर शर्मा, मुन्ना कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोरोना के हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आने के बाद क्या बिहार सरकार को लॉकडाउन जैसे सख्त प्रतिबंध लगा देने चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।